नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही गजब की खबर के साथ आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी अध्यक्षता कर रहा है रूस। रसिया जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है 1 महीने के लिए, और यूक्रेन जो है वो हो चुका है इतना परेशान कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम तरह की बयानबाजी यूक्रेन के द्वारा चल रही है। रूस है पूरी तरह से प्रतिबंधित। अब ऐसी स्थिति में जब रूस के विदेश मंत्री जो हैं, जिनका नाम है सर्गेई लेवरो, वो अमेरिका के अंदर जा सकते हैं, क्या आप अमेरिका के अंदर क्यों जाएंगे? क्योंकि यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। ऐसी स्थिति में यदि अध्यक्षता करनी है, मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो अमेरिका में जाना होगा। और एक बड़ा और सवाल यहाँ साथ में उत्पन्न होता है, वो है कि क्या अमेरिका की इतनी ज़्यादा वर्चस्व चलता है यूएन के अंदर कि यूएन जो कि तमाम देशों के लिए संस्था बनी हुई है, उसके अंदर यदि किसी को जाना है तो अमेरिकी वीज़ा की ज़रूरत होगी? बड़े सवाल हैं, आज के सेशन में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और एक और बात जो उठती है वो है कि रूस को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। रूस जो है एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, और यूक्रेन का कहना है कि रूस को प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो क्या रूस को यूएनएससी से निकाल पाना इतना आसान है? विस्तार पूर्वक करेंगे चर्चा, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रसिया एज्यूम्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी मिल गई है डिस्पाइट यूक्रेनियन एंगर। यूक्रेन जो है वो गुस्से में है। रसिया टेक्स चार्ज ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज यूएन वॉर रेजेस ऑन। रसिया रन्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दिस मंथ। यूक्रेन सेज इट्स द वर्स्ट अप्रैल फूल जोक। असल में अप्रैल फूल वाला जो सिस्टम होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसका कुछ ज्यादा ही प्रभाव रहता है। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है, यूक्रेन के द्वारा, कि दुनिया का सबसे बुरा यदि कोई अप्रैल फूल जोक हो सकता है तो वो यही है कि युद्ध के अंदर जो यूक्रेन है वो कर रहा है इसकी अध्यक्षता। रसिया हैज टेकन द प्रेसिडेंसी, ठीक है। ईच ऑफ द काउंसिल्स 15 मेंबर्स, असल में इसके अंदर कुल मिलाकर जो मेंबर होते हैं उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं फिलहाल? तो एक मेंबर है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें से, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए एक मेंबर हो गया। 2 मेंबर इसके बनते हैं यूरोप में से, जो हैं, एक हो गया यूनाइटेड किंगडम और दूसरा हो गया फ्रांस। ये होते हैं 2 मेंबर इसके यूरोप में से। और एशिया की बात करते हैं तो एशिया में से निकल कर आते हैं 2 मेंबर, एक हो गया रसिया और दूसरा हो गया चाइना। तो ये 5 जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर के बाद। और इसके अलावा 15 इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं इसके अंदर बदलते रहते हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि जो देश इसके अंदर सदस्यता अध्यक्षता कर रहे होते हैं तो उनकी अध्यक्षता जो मिलती है वो मिलती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, जो कि ABCD के हिसाब से जैसे जैसे नाम पढ़ते हैं उस प्रकार से अध्यक्षता मिलती है। तो फरवरी 2022 के अंदर रसिया ने पहले इसकी प्रेसिडेंसी की थी, और अब उसके बाद अब इसका नंबर आया है कि मार्च कि अप्रैल 2023 के अंदर फिर से इसको जो है प्रेसिडेंसी का मौका मिला है। इट मीन्स द सिक्योरिटी काउंसिल इज बीइंग लेड बाय अ कंट्री, कि एक ऐसी कंट्री के द्वारा इसको लीड किया जाएगा सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट, जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो अरेस्ट वारंट हैं वो जारी हो चुके हैं, जिनको कि वॉर क्राइम के लिए जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। फिलहाल पीछे हमने एक खबर देखी थी ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसने जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था पुतिन को, पुतिन के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट कर दिए थे जारी। इसी के अंदर विदेश मंत्री भी आना हो चुका है अमेरिका के अंदर प्रतिबंधित। तो बड़े सवाल जो खड़े होते हैं उनमें तमाम जो है बातें निकल कर आई। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो कैन आ वॉर क्रिमिनल लेड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके द्वारा सवाल पूछा गया कि क्या एक युद्ध अपराधी यानी कि वॉर क्रिमिनल जो है वो यूएनएससी को लीड कर सकता है? इट इज अनएक्सेप्टेबल, कि ये पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट रसिया विच लॉन्च्ड अ अनजस्टिफाइड वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक बिल्कुल गलत जंग छेड़ दी है। वी कैन कॉल ऑल डेमोक्रेसीज टू बाइकॉट द यूएनएससी प्रोसीजर, कि हम कहते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की वो कर दें बाइकॉट इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को। तो इनके द्वारा क्या
हम बात हमने कर ली है कि जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, ये तो इसके परमानेंट पास्ट मेंबर होते हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर फिलहाल हैं वो सारे के सारे ये आपको लिखे हुए यहाँ दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही। तो अमेरिका से जब पूछा गया कि क्या आप बुलाएंगे रूस को अपने यहाँ पर, तो इनके द्वारा कहा गया कि यूक्रेन जो है वही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है यूएनएससी के अंदर, बाकी अन्य भी तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर यूएनएससी के अंदर चर्चा होती है। और यदि अब रसिया जो है आता है तो रूस आ सकता है और जो प्रोसीजर्स हैं उनके अनुसार अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। रसिया सेज नो यूएस वीजाज येट फॉर लैवरोव विजिट टू यूनाइटेड नेशंस, कि यदि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाना है तो अमेरिका का वीज़ा उसके अंदर लगना है और फिलहाल में हमारे पास किसी भी प्रकार का वीज़ा नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे। तो बड़ा एक सवाल उठता है कि क्या इनको अमेरिका का वीज़ा दिया जाएगा। यदि यूएन के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो वीज़ा तो दिया ही जाएगा। यूएन टू इम्पोज सेंक्शंस ऑन पुतिन एंड लैवरोव, लैवरोव और पुतिन दोनों के ऊपर ही अमेरिका ने तमाम तरह के सेंक्शंस लगा रखे हैं, प्रतिबंधित कर रखा है कि ये जो व्यक्ति जो हैं लैवरोव जो हैं वो अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यूनाइटेड नेशंस जो है वो अमेरिका की कोई कठपुतली नहीं है, ऐसा साबित करना यूनाइटेड नेशंस के लिए एक बड़ी चुनौती फिलहाल हो जाता है कि अमेरिका का वर्चस्व क्या इतना ज़्यादा हो चुका है कि बिना उसकी अनुमति के यूएन की बैठकें नहीं होंगी। यूक्रेन सेज रसिया होल्डिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी आ सिम्बॉलिक ब्लो, इनके द्वारा कहा गया है कि जो रूस प्रेसिडेंसी कर रहा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, ये जो है एक सिम्बॉलिक ब्लो है। दिमित्री कुलेबा ये जो है यूक्रेन की तरफ से एक ऑफिसर हैं, इनके द्वारा बताया गया या कहा गया रसिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी ऑन 1 अप्रैल इज बैड जोक, की एक बहुत बड़ा ख़राब जो है ये जोक है। रसिया हैज असरप्ट इट्स सीट्स इट्स वेजिंग अ कॉलोनियल वॉर, की ये जो है एक युद्ध की तरफ जा रहे हैं रसिया, और ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल को इनके द्वारा जो की जाती है प्रेसिडेंसी, ये दुनिया का सबसे ख़राब जो है अप्रैल फूल्स जोक है। रशियन यूएनएससी प्रेसिडेंसी इज अ स्लैप, एक तमाचा है रसिया की प्रेसिडेंसी इन द फेस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मुंह पर एक तमाचा है, ऐसा बोला गया इनके द्वारा। आई अर्ज द करंट यूएनएससी मेंबर्स टू थ्रोट एनी रशियन अटेम्प्ट टू अब्यूज इट्स प्रेसिडेंसी, कि वो सारे के सारे प्रयास इस दुनिया के द्वारा किए जाएं जिससे कि रूस की जो प्रेसिडेंसी है वो हो जाए खत्म। रशियन प्रेसिडेंसी इन द यूएनएससी इज़ अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ समथिंग इज रॉन्ग इन द वे ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसके लिए ये जो है एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, ऐसा बोला गया। आगे अगर बात करते हैं पोलैंड के बारे में, इसी के बीच में पोलैंड से एक खबर निकल कर आई कि पोलैंड के एक प्रमुख अखबार ने कह दिया कि यूक्रेन जो है वो युद्ध पूरी तरह से हार चुका है। आप देखते हैं पोलिश टीवी रियलाइजेज दैट यूक्रेन इज लॉस्ट, कि यूक्रेन युद्ध को हार चुका है। स्ट्रेट अवे दे रिकमेंड हाउ यूक्रेन शुड बी टॉर्न अप या फिर स्प्लिट, कि किस प्रकार से यूक्रेन को पूरी तरह से खराब कर दिया जाए, इसी तरह की तैयारी कर रहा है रसिया। दे हेट टू सी द वेस्ट ऑफ यूक्रेन फॉलिंग अंडर रशियन ज्यूरिसडिक्शन, कि रूस के ज्यूरिसडिक्शन में यूक्रेन का आ जाना हम देख रहे हैं। सो दे सजेस्ट कैनी बलाइजिंग द कंट्री, ये बातें बोली गई और जो बातें बोली गई पोलैंड ने एडमिट कर लिया वेस्ट फेल्ड, वेस्ट यानी कि अमेरिका प्लस उसके जो सहयोगी हैं सारे के सारे देश जो हैं वो फेल हो चुके हैं रूस को आइसोलेट करने में, पुतिन को आइसोलेट करने में, यानी कि अकेला अलग थलग करने में फेल हो चुका है अमेरिका, और उसने जो है यूएनएससी की प्रेसिडेंसी भी ले ली है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो फेल हुआ है, ऐसा माना गया है पोलैंड के द्वारा। डिस्पाइट द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट मॉस्को हैज़ मैनी अलाइज, कि यूक्रेन के जो कन्फ्लिक्ट है जो युद्ध है उसके बावजूद मॉस्को हैज़ मैनी अलाइज इन अदर कंट्रीज़, कि मॉस्को के तमाम जो हैं अलाइज हैं, और स्पेशली बात की गई है वेस्टर्न कॉलोनीज़ की, जो वेस्टर्न कॉलोनीज़ हुआ करती थी उसके अंदर तमाम सहयोगी देश अभी भी रसिया के मौजूद हैं। यूक्रेन कॉल्स फॉर रसिया टू लूज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट, ये जो है 27 फरवरी 2022 की खबर है। यूक्रेन काफ़ी पहले से ही पूरी दुनिया से कह रहा है कि रूस की जो अध्यक्षता है या फिर कहें कि रूस की जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है इसको कर दिया जाए खत्म। अब चर्चा करेंगे कि क्या इसको खत्म कर पाना इतना जल्दी पॉसिबल है, कि क्या पॉसिबल है। वीटो छीनकर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास होती है वीटो पावर, तो एक जो तरीका बताया गया है कि वीटो छीनकर रूस को कैसे सुरक्षा परिषद से बाहर किया जाएगा, इसके ऊपर यूक्रेन जो है तमाम प्रयास दुनिया भर से कर रहा है।
अब इसकी स्थापना क्यों हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, तो साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद दुनिया शांति चाहती थी। क्यों चाहती थी? क्योंकि दोनों जो युद्ध थे, विश्व युद्ध, वो काफ़ी कम समय के अंतराल पर ही हो गए थे। ऐसे में पूरी दुनिया जो है शांति चाहती थी। इसके बाद 50 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक चार्टर पर हस्ताक्षर कर एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नींव रखी। अब ये चार्टर क्या होता है, तो ये जो है आप इसको यूनाइटेड नेशंस का संविधान समझ सकते हैं। जिस प्रकार से भारत के अंदर जो सर्वोच्च कानून है वो है संविधान, संविधान से ही भारत चलता है, इसी प्रकार से जो यूनाइटेड नेशंस है वो चलता है अपने चार्टर के हिसाब से। तो इसके चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नींव रखी गई थी, इसे ही आज यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन कहते हैं। यूएन के कुल 6 अंग हैं, इनमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की जिम्मेदारी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की है। 6 में से एक अंग है इसका यूएनएससी, जिसकी जिम्मेदारी जो है पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने की है। इसीलिए वो प्रभावित देशों में पीस कीपिंग फोर्स को भेजते हैं। उम्मीद की गई कि यह संस्था पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर जैसा कोई तीसरा वॉर नहीं होने देगी, लेकिन आज कई एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे वॉर की शक्ल ले सकता है। बहुत बड़ी चिंता पूरी दुनिया के अंदर है कि कहीं ये रूस और यूक्रेन वाला युद्ध है ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। ऐसे में यह विडंबना ही है कि जब यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है तो उस समय यूएनएससी की अध्यक्षता भी कर रहा है, जबकि रूस को इस समय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया के द्वारा या कहें कि पश्चिमी जगत के द्वारा माना जा रहा है। यूएनएससी का काम क्या होता है, तो यूएनएससी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसके लिए यूएनएससी प्रतिबंध लगाने और बल उपयोग का सहारा लेता है। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स जो हैं उनके द्वारा पूरी दुनिया में शांति बहाल की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदलती है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। एक दस्तावेज कानूनी ज्ञापन है जो कि 19 दिसंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के लीगल काउंसिल पर यानी वकील के लिखा गया था। इसमें रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में सुरक्षा परिषद को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। अब मामला ये वाला क्या है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। बात है 1991 की। 1991 में जो सोवियत संघ हुआ करता था वो टूट गया। सोवियत संघ जो टूटा तो वो 15 देशों के अंदर टूटा और 15 देशों के अंदर रूस एक देश था। रूस के अलावा जो तमाम देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये सारे के सारे और पांचों के पांचों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे देश जो हुआ करते थे, तो 15 देशों में पूरा का पूरा सोवियत संघ टूट गया। तो ऐसी स्थिति में रूस को किस प्रकार से शामिल कर लिया गया, असल में जो शामिल था इसके अंदर परमानेंट मेंबर के तौर पर वो सोवियत संघ था और आज तक सोवियत संघ का ही नाम लिखा हुआ है। तो यूक्रेन का कहना है कि रूस जो है वो किस प्रकार से शामिल हुआ, सिर्फ एक जो कहें कि एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद ही इसको शामिल कर लिया गया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक नाम की इसकी फैसला नहीं हुआ है। तो इसी मामले को हम आप समझने का प्रयास करते हैं। सोवियत संघ से अलग हुए 1991 में घोषित किया गया था, सोवियत संघ का अस्तित्व नहीं रहा था। 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया था। ऐसे में रूस को सोवियत संघ की जगह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कैसे बना दिया गया, ये पहला सवाल होता है यूक्रेन के द्वारा। जबकि सोवियत संघ से अलग हुए बाकी देशों को भी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का कानूनी दावा बनता है कि सिर्फ रूस को ही शामिल क्यों किया, बाकी 15 देश जो थे उन सबको शामिल होना चाहिए था, क्योंकि ये 15 के 15 देश जो हैं वो संयुक्त ये जो सोवियत संघ हुआ करता था इसके हिस्से थे। वहीं रूस को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए यूएन महासभा ने कभी कोई फैसला नहीं लिया है। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी यूएन चार्टर में बदलाव नहीं किया गया है। चार्टर में आज सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में सोवियत संघ का नाम है, रूस का नाम नहीं है। इसी आधार पर कहा जाता है यूक्रेन के द्वारा कि रूस को बाहर कर दिया जाए। इसके उलट संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में शुरू से शामिल रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि क्या क्या बदलाव अब तक हो चुके हैं। तो जो हम चाइना देखते हैं, आज चीन को जो देखते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस का फिलहाल परमानेंट मेंबर है वीटो के साथ में, तो इसको जो हुआ था 1949 में जो शामिल हुआ करता था वो हुआ करता था रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब जो हम आज जानते हैं ताइवान के नाम से। ताइवान जो है खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना होने का दावा करता है। फिर आता है 1971। 1971 में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था यानी कि जो चाइना ताइवान था उसका नाम बदल कर दिया गया था यूएन के चार्टर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कौन सा, जो चाइना हम आज बीजिंग राजधानी के साथ देखते हैं, जो कि सी जिनपिंग, जिसके फिलहाल
प्रेसिडेंट बने हुए हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम जोड़ दिया गया था और रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम हटा दिया गया था। तो ऐसे में जो बदलाव हैं उनकी बात की जाती है यूक्रेन के द्वारा। अब तक यूएनएससी के स्थायी सदस्य देशों में दो बार बदलाव हो चुका है। दोनों बदलाव हम देख चुके हैं कि एक बार जो सोवियत संघ हुआ करता था उसकी जगह रूस आ गया, और दूसरी जगह जो हुआ करता था, असल में जो मेंबर्स हुआ करते थे इसके फॉर्मेशन के समय पे, तो पांच मेंबर ही हुआ करते थे उस समय भी। तो पांच मेंबर के अंदर अमेरिका जैसे का तैसा आज भी है, यूके जैसे का तैसा आज भी है, और फ्रांस भी जैसे का तैसा आज भी है। ये तीनों तो हुआ ही करते थे, लेकिन रूस की जगह हुआ करता था संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि सोवियत संघ इसकी जगह हुआ करता था। सोवियत संघ हुआ करता था रूस की जगह, और जो चाइना देखते हैं हम, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो देखते हैं उसकी जगह हुआ करता था रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो मतलब ताइवान जो आज हम देखते हैं वो हुआ करता था। ये दो बदलाव जो हैं ये इसके अंदर हो चुके हैं, इन्हीं की बात यहां हो रही है। एक बदलाव हुआ था 1971 में जब चीन का नाम बदलने के बाद शामिल कर लिया गया था, और दूसरा बदलाव था 1991 में। ये दो बदलाव जो हैं हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट आती है, वो है अल्मा अटा प्रोटोकॉल। अब ये क्या था अल्मा अटा प्रोटोकॉल? तो जब 1991 के अंदर रूस को शामिल किया गया था तो तमाम देशों ने सिग्नेचर्स किए थे कि रूस को शामिल कर लिया जाए सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में, कि सोवियत संघ जो है उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाए रूस को। तो ऐसी स्थिति में यहां जो सिग्नेटरी मेंबर्स हैं उनके अंदर जब हम देखते हैं तो यूक्रेन का नाम भी आपको यहां दिखाई देता है कि यूक्रेन भी उन मेंबर्स में शामिल था जिनको कोई आपत्ति नहीं थी रूस को शामिल करने में, लेकिन फिर भी चार्टर के अंदर बदलाव की बात जो है यूक्रेन के द्वारा की जाती है। किसी देश ने यूएन से निकालने की क्या प्रक्रिया है? किसी भी देश को अगर यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालना है तो क्या कोई प्रक्रिया है या नहीं है? अब इसके बारे में हम जानते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को हटाने के लिए यूएन चार्टर में कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसके चार्टर के अंदर कोई ऐसी प्रक्रिया का वर्णन नहीं है जिससे कि इसके स्थायी सदस्य को हटाया जा सके, लेकिन किसी देश को संयुक्त राष्ट्र यूएन से निकालने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर यूएन महासभा में वोटिंग होती है। वोटिंग के अंदर क्या होता है उसको भी हम जानेंगे। अभी तक किसी देश को इस प्रक्रिया के जरिए हटाया नहीं गया है। बात करते हैं थोड़ी सी क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका है संयुक्त राष्ट्र महासभा को रूस या फिर यूएन या यूएनएससी से निकालने का प्रस्ताव पारित करे तो निश्चित ही स्थायी सदस्य होने के नाते रूस वीटो कर देगा। यदि कोई प्रस्ताव लाया जाता है रूस के खिलाफ यूएनएससी में तो रूस के पास जो है वो वीटो है। प्रस्ताव जब आएगा तो रूस खुद अपने खिलाफ वीटो कर देगा और वो प्रस्ताव जो है कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में महासभा इसी प्रस्ताव को दोबारा लाए, जब रूस अपने खिलाफ वीटो कर दी तो दोबारा इसी प्रस्ताव को लाया जाए और दो तिहाई सदस्यों का समर्थन मिले तो रूस को सुरक्षा परिषद से बाहर किया जा सकता है। अब दो तिहाई सदस्य यानी कि 2/3 जो सदस्य होंगे इनका समर्थन जब मिलेगा वो होता है इसके लिए जरूरी कि दोबारा प्रस्ताव जब आता है तब इसको निकाला जा सकता है। तो दो तिहाई का अगर हम देखते हैं तो तीन देश जो हैं उसके अंदर एक हो गया अमेरिका, एक हो गया यूके और एक हो गया फ्रांस। ये तीनों तो एक साथ मिलकर कर सकते हैं वोटिंग, लेकिन इनका जो वोट है वो बनता है 60%, बल्कि जो दो तिहाई होता है वो बनता है 66.6%। तो ऐसी स्थिति में एक जो बचते हैं दो देश, एक रसिया हो गया खुद और दूसरा हो गया चाइना, इन दोनों का स्टेक मिलाकर बनता है 40%। तो ये जो तरीका है रसिया और चाइना जो है वो चाइना हमेशा रसिया के समर्थन में ही वोट करेगा क्योंकि अमेरिका के समर्थन में वोट चाइना नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो बनकर आता है आंकड़ा इन दोनों का मिलकर 40%। तो ये जो दो तिहाई वाला मामला है इनका, तो दो तिहाई वाला मामला यहाँ पर आकर हो जाता है पूरी तरह से फेल। अब दूसरा क्या तरीका है हटाने का? पहला हमने देख लिया कि एक जो है प्रस्ताव लाया जाए और फिर दोबारा प्रस्ताव लाया जाए और वोटिंग कराई जाए। दूसरा तरीका है मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जा सकता है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट फैसला सुनाता है कि सुरक्षा परिषद का कोई सदस्य यूएन चार्टर के खिलाफ जाकर युद्ध छेड़ता है तो यूएन में उसकी सदस्यता अवैध है। यदि साबित कर दिया जाता है यूक्रेन के द्वारा कि उसकी सदस्यता जो है फिलहाल अवैध है रूस की, तब रूस की सदस्यता अवैध घोषित हो सकती है। तीसरा है यूक्रेन के तर्क के आधार पर रूस की सदस्यता के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो सकती है। यूक्रेन का कहना है कि रूस को कभी भी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था, ऐसा कहना है, इसके ऊपर जो है कार्यवाही हो सकती है। और यदि ऐसा कुछ होता है तो इसे जो है भारत के लिए किस प्रकार से ये हो सकता है? तो भारत जो है लगातार कई वर्षों से डिमांड कर रहा है यूएन के चार्टर जो है उसके अंदर बदलाव करने का, कि यूएन का चार्टर जो है बदलाव किया जाए और भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत स्थायी सदस्यता यानी कि भारत को वीटो ताकत जो है वो दी जाए। ऐसी स्थिति में रोमांचक हो सकता है आगे चलकर देखना कि क्या भारत के लिए एक चांस बन सकता है
आने वाले समय में यूएन में शामिल होने का अभी तक जो है डिमांड हमारी लगातार चल रही है। स्थायी सदस्य को यूएनएससी से बाहर करने की कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है, जो तीन प्रक्रियाएं हैं वो हमने देख ली हैं किस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उन तीनों प्रक्रियाओं को देखते हुए लगता है कि फिलहाल पॉसिबिलिटी कोई नहीं है रूस को बाहर निकलने की। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को हटाने के लिए कोई सीधा मैकेनिज्म नहीं है यूएन से किसी भी, ये सारी की सारी बातें हम देख चुके हैं। यूक्रेन ने रूस को बाहर करने के लिए ये कारण भी गिनाया, और क्या कारण गिनाया है, यूक्रेन का दावा रहा है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 4 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र केवल शांतिप्रिय देशों के लिए जो चार्टर की शर्तों को स्वीकार करते हैं, जबकि रूस के मतलब जो शांतिप्रिय देश हैं उनको ही इसके अंदर शामिल किया जाए, लेकिन रूस ने जो है छेड़ दी है जंग यूक्रेन के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में जो इनका आर्टिकल 4 है वो एक बात, और इनका जो क्लॉज 51 है आर्टिकल 4 का उसके अंदर एक बात और बोली गई है। रूस क्या दावा करता है इसके खिलाफ कि जंग छेड़ दी है इस आधार पर रूस को बाहर निकाला जाए, तो रूस के द्वारा कहा जाता है कि यूक्रेन पर उसकी कार्यवाही सेल्फ डिफेंस के लिए की गई है जो कि चार्टर के क्लॉज 51 के मुताबिक है। इसी चार्टर का जो क्लॉज 51 है वो कहता है कि सेल्फ डिफेंस में कोई भी देश अपनी रक्षा के लिए इस प्रकार के कदम उठा सकता है, सैन्य कार्रवाइयाँ कर सकता है, और इसी प्रकार से रूस का कहना है कि उसके खिलाफ यूक्रेन के अंदर कुछ साजिशें चल रही थीं जिनको रोकने के लिए सेल्फ डिफेंस की सहायता से या फिर कहें कि सेल्फ डिफेंस के रूप में उसके द्वारा ये कदम उठाया गया है। उम्मीद है साथियों पूरा का पूरा मामला आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।